हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के ऊपर में। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एचडीएफसी बैंक के प्राइस चार्ट पर और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए, ताकि दोस्तों किस तरह के फॉर्मेशन बन रहे हैं और वो हमें क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसके बारे में हम जान सकें। और दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि क्या उसमें कोई ट्रेडिंग की या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है, और अगर हो रही है दोस्तों तो पॉसिबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पे चलते हैं और इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। ये एचडीएफसी बैंक का मंथली टाइम फ्रेम में एनएससी इंडिया पे प्राइस चार्ट है। हम विजुअली देख सकते हैं कि एक अपट्रेंडिंग स्टॉक है एंड कंटिन्यूअसली हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अलावा अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें जो येलो कलर की है, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, वंस अगेन यहाँ सपोर्ट लिया, और अगेन हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक देख रहे हैं उस एस्टैब्लिश सपोर्ट लेवल से। तो ये ट्रेंड लाइन जो है एक एस्टैब्लिश सपोर्ट लाइन की तरह एक्ट कर रही है। और इसके अलावा अगर हम इस डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन पे गौर करें तो प्राइस यहाँ पर 1222 के आसपास में मल्टीपल टाइम कई महीनों तक रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, और फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ नवंबर 2019 में, और उसके बाद प्राइस ने करेक्शन किया और ये जो रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और हम देख सकते हैं इस करंट मंथ की कैंडल, फरवरी 2020 की कैंडल, इसके ऊपर में डिसाइसिवली ट्रेड कर रही है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। हाउएवर, इस महीने की कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो चलिए हम मंथली वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं और एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम में एचडीएफसी बैंक का प्राइस चार्ट है। हम देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी होल्ड कर रही है, मल्टीपल सपोर्ट हम देख सकते हैं, एंड करंट वीक की कैंडल अगर हम देखें दोस्तों तो फिलहाल एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना चुकी है, लेकिन करंट वीक की भी कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो दोस्तों, इसके अलावा हम क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं इस प्राइस चार्ट पे? जब भी प्राइस रिट्रेस करती है दोस्तों, आप देखिए प्राइस ने यहाँ रिट्रेस किया, EMA 55 पर जो ब्लू कलर की लाइन है इसके ऊपर में सपोर्ट लिया और एक अपसाइड मूव किया, नया हाई बनाया। उसके बाद फिर यहाँ पे एक डीपर करेक्शन हुआ, प्राइस ने EMA 55 पे टेस्ट किया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, EMA 55 पे टेस्ट किया और हाई बनाया। और इन सभी ओकेशंस पे ये जो येलो कलर की ट्रेंड लाइन है वो एक कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है EMA 55 का और ट्रेंड लाइन का, और अगेन सिमिलर पैटर्न हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। अब अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टेस्ट करने की बात करें तो पिछली इम्पल्सिव वेव ये है दोस्तों। अगर हम यहाँ से फिबोनाची एक ड्रॉ करते हैं तो हम क्या देखते हैं दोस्तों कि इस कैंडल की शैडो एक कन्फ्लुएंसिंग जोन में है, जो नियरली 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, एंड दोस्तों ये एक बहुत सिग्निफिकेंट है कि EMA 55 भी उसी जगह पे कोइंसाइड कर रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल डिमांड एरिया से प्राइस में बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन की स्टडी हम कर सकें। तो ये हम डेली टाइम फ्रेम में आ गए। मैं सारी ड्राइंग्स को अभी फिलहाल रिमूव करता हूँ ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को हम एनालाइज कर सकें। हम इस प्राइस चार्ट पे क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं कि प्राइस ने इस मेजर इम्पल्सिव वेव के बाद एक डीपर करेक्शन लिया,
और करेक्शन लेने के बाद SMA 233 को ऊपर में सपोर्ट लेने के बाद 3 फरवरी 2020 की कैंडल जो है वो एक बुलिश पिन बार का कंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद नेक्स्ट डे की कैंडल अगर हम देखें 4 फरवरी 2020 की तो ये एक कंफर्मेशन है, और यहाँ पे नथिंग बट एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन है जो बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इस्टेब्लिश सपोर्ट के पास में ये अपियर हुआ है। अगर हम पिछले प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस ने यहाँ भी SMA 233 पे सपोर्ट लिया और अपसाइड मूव किया, इस जगह पे भी SMA 233 पे सपोर्ट लिया, तो सिमिलर हम एक्शन देख सकते हैं कि एक मेजर करेक्शन के बाद प्राइस ने सपोर्ट लिया है SMA 233 के ऊपर में। अब चलिए डेली टाइम फ्रेम में लास्ट इम्पल्सिव वेव का हम रिट्रेसमेंट चेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचा और हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अगर हम इसे देखें तो ये यहाँ से अगर हम पकड़ते हैं तो 50% लेवल पे ये रिट्रेसमेंट क्लोज हुआ, और इसको अगर यहाँ से राइज मानते हैं दोस्तों तो ये नियरली 61.8% पे रिट्रेसमेंट होके ये रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा हम अगर ध्यान से देखें, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, ये आपको लॉन्ग खींची तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है, इसके पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था प्राइस ने और अगेन वहाँ से सपोर्ट लेके सॉरी फ्रेंड्स तो सपोर्ट लेके ये एक रिवर्सल दर्शा रही है। तो ये सारे इंडिकेशन इंडिकेट करते हैं कि प्राइस एक अपमूव के लिए रेडी है। अगर हम ट्रेंड एनालिसिस ब्रॉडली करें तो प्राइस फिलहाल SMA 233 के ऊपर है, SMA 89 एंड SMA 144 SMA 33 के ऊपर प्लेस्ड है चार्ट के ऊपर में। तो दोस्तों आज की कैंडल अगर हम देखें तो इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है EMA 21 के ऊपर में, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो दोस्तों ये नए हाई बनाने की दिशा में बाउंस बैक कर रहा है इस पर्टिकुलर सपोर्ट से SMA 233, और जहाँ पे मैनी कन्फ्लुएंसेस है जैसा अभी हमने डिस्कस किया। तो हमारी पॉसिबल ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों बहुत सिंपल है कि अगर हम देखें बाउंस बैक में जब मॉर्निंग स्टार बना था तो उसका जो हाई था बुलिश कैंडल का, जो 4 फरवरी की कैंडल है तो उसका हाई था 1234, इसके ऊपर में ऑलरेडी एंट्री बनती है और प्राइस ने उसको ब्रेकआउट दे दिया है तो हम करंट मार्केट प्राइस पर एंटर कर सकते हैं। और हमारा पॉसिबल स्टॉप लॉस क्या होगा, ये प्रीवियस स्विंग लो के पास में स्टॉप लॉस हो सकता है, जो दोस्तों स्टॉप लॉस 1175 के नीचे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो इनफ होना चाहिए क्योंकि SMA 233 का भी यहाँ पर एक सपोर्ट है। अब पॉसिबल टारगेट क्या होगा दोस्तों, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। अगर हम फिबोनाची एक्सपांशन टूल को इस्तेमाल करें और इसे हम प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें पिछले इम्पल्सिव वेव के हिसाब से, तो ये देखिए दोस्तों इसका जो पॉसिबल टारगेट आता है 1362 के आसपास आता है, जो 127.2% एक्सपांशन लेवल है। लेकिन दोस्तों बेस्ट स्ट्रेटजी हमेशा क्या होती है कि हम ट्रेंड को राइड करें, टारगेट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल है तो बेस्ट तरीका होगा कि ट्रेंड को राइड करें एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। तो मैं एक रेफरेंस ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए मैंने रेफरेंस ट्रेंड लाइन खींची, प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, इस जगह सपोर्ट लिया, तो ये रेफरेंस ट्रेंड लाइन हमें हेल्प कर सकती है स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए और ट्रेंड को राइड करने के लिए। तो एक बेहतरीन कंडीशंस नज़र आ रही है जहाँ पर एक पॉसिबल स्ट्रेटजी लॉन्ग ट्रेड की अच्छी नज़र आ रही है। चलिए दोस्तों एक बार हम लोग सपोर्टिंग इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं, सपोर्टिंग टूल को। ये 14 डे पीरियड का RSI है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर कट बुलिश स्विंग ब्रेकआउट नज़र आता है, प्राइस बिलो 30 चली गई और यहाँ पर देखिए इसने प्रीवियस हाई को तोड़ दिया है और अब 40 के ऊपर में है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। स्टोकास्टिक की बात करें दोस्तों तो ये एक बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी ओवरसोल्ड एरिया से दिखाई
दे चुका है। इसका तात्पर्य है कि इनफ कुशन है अभी इसको ऊपर जाने में। और फिलहाल दोस्तों इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमें मिल सकता है वो 1300 के आसपास में ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन ट्रेंड को राइट करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है ताकि ट्रेंड को मैक्सिमम इनकैश किया जा सके एक मेजर प्रॉफिट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम ब्रीफली समराइज करते हैं जो भी इंटरैक्शन हमने प्राइस चार्ट के ऊपर में किया एचडीएफसी बैंक के। तो हमने क्या देखा, मंथली टाइम फ्रेम में क्लियर कट विजुअली अप ट्रेंडिंग मूव समझ में आ रहा है। इसके अलावा हमने ट्रेंड लाइन खींची जो राइजिंग ट्रेंड लाइन थी, जो काफी दिनों से एक एस्टैब्लिश सपोर्ट की तरह काम कर रही है और वहीं से प्राइस में बाउंस बैक देखा। इसके अलावा प्राइस एक्शन के द्वारा हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जहां पे कई महीनों तक प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया जो अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम में गए, वहां हमने एक टिपिकल बिहेवियर देखा कि प्राइस जब भी करेक्ट करती है तो ट्रेंड लाइन और ईएमए 55 के कन्फ्लुएंस में आके सपोर्ट लेती है और एक नया हाई बनाती है। और सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन अभी हम प्राइस चार्ट पर देख सकते हैं। जब हम डेली टाइम फ्रेम में रीसेंट प्राइस एक्शन एनालिसिस के पास में गए तो हमने देखा कि डेली टाइम फ्रेम में एक साइजेबल करेक्शन के बाद प्राइस ने एसएमए 233 के ऊपर में सपोर्ट लिया है और एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है जो बहुत सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा हमने प्राइस चार्ट पे ऑब्जर्व किया कि डेली टाइम फ्रेम में इसके पहले भी कई बार इसका एक मेजर रिट्रेसमेंट होने के बाद प्राइस एसएमए 233 पे सपोर्ट लेती है और फिर एक नया हाई बनाती है। तो सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन में ये विदित होता है कि ये एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड मिल सकता है। इसके अलावा हमने मोमेंटम इंडिकेटर पे भी डिस्कस किया कि बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हुआ है आरएसआई के ऊपर में, स्टोकास्टिक एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा चुका है ओवरसोल्ड टेरिटरी में। तो ये सारे इंडिकेशन इसे एक फिट केस लगता है अच्छे लॉन्ग ट्रेड के लिए, जहां पे हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को भी डिस्कस किया जहां पे एक फेवरेबल रिस्क रिवार्ड मिलने की संभावना नजर आ रही है। तो दोस्तों ये एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड महसूस हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको आज का प्रेजेंटेशन और एनालिटिकल अप्रोच पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड दोस्तों इसे शेयर कीजिए वीडियो को ताकि दूसरे लोगों को भी इनका लाभ हो सके और वो भी इस प्रोसेस में आपके और हमारे चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके इस परिवार का एक हिस्सा बन सके। एंड दोस्तों अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। एंड दोस्तों बेल आइकन को एनेबल करना नोटिफिकेशन के लिए ना भूलें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी समय पे मिल सके और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों शीघ्र।